Welcome to yet another episode of Tell Me Something. I'm your host, Ankita Srivastav. And as always, I have two amazing people again. Two people that the internet absolutely loves. Matlab, both of them happen to be brother and sister also. मतलब एक ही घर पे इतना टैलेंट इतनी वायरलिटी मेरे को पूछना है इन दोनों को सालों सुबह नाश्ते में मम्मी तुम्हारी खिलाती क्या है आई टेल यू जो लड़का है ना हाँ उसने नोएडा बॉयज को नेशनल अटेंशन दिया है और जो लड़की है उसने कंगना रनावत को अटेंशन दिया है यार नेशनल अटेंशन लाइक शी नीडेड एनी मोर आई थिंक यू ऑलरेडी गेस्ड हु इज इट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट यस यू आर राइट पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शुभम गौर एंड सलोनी गौर गाइस जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था एंड वी नीड टू एड्रेस दिस द नेशन वांट्स टू नो तुम दोनों क्या खाते हो और सुबह सुबह मम्मी क्या खिलाती है भीगे हुए बादाम और अखरोट भी वायरल होंगे वीडियोस सारे कंटेंट क्रिएटर्स सुन रहे हैं क्या भी छूते हैं मम्मी पापा के अय्या तुम लोग इतने आदर्श बच्चे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठते हैं ए कम ऑन दिस इज टू मच सलोनी यही शुरू होगी कंटेंट क्रिएशन ओके आई वांट टू नो दैट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट नो कि तुम लोग भाई बहन हो यार तुम लोग ने छुपाया क्यों था ये शर्माती थी एक दूसरे से कि नहीं छुपाया से ज्यादा हमने शोर नहीं मचाया था मतलब जिसको पता था उसको पता था अब हमें वो नहीं लगा कि अब बाकी लोग तो क्या मोस्टली अंदर तो वही करते ना कि इसी पे कंटेंट बना देते हमारा उस पे मतलब इंडिविजुअली भी पर्सनालिटी है ना दोनों की तो जब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो अभी भी नहीं पड़ी है ना हां भैया ने एक पहले लॉजिक अच्छा लगाया था वो कहते थे कि मतलब मैं कुछ खराब बनाऊंगा तो तुझे गाली पड़ेगी तू कुछ खराब बनाएगी तो मुझे गाली पड़ेगी मुझे ये पूछना था तुम लोग को डर नहीं लगता तुम लोग जैसा कॉन्टेंट बनाते हो गालियाँ पड़ेंगी आदत हो गई है पूरी जो स्टैंड अप फ्रेटर्निटी है ना वी आर जेलस ऑफ यू पीपल तुम लोग जो बात कहनी होती है वो कह के निकल जाते हैं और तुम लोग को कोई कुछ नहीं कहता नहीं कहते हैं वो पता नहीं ना उनको कि आके क्या जिस स्टैंड अप में तो आसान है ना कि अच्छा यहाँ शो करता है ये आके तोड़ जाते हैं तुम लोग जेल तो नहीं जा रहे हो मैं कहने का नहीं, उतना तो हमें पता नहीं जा रहे हैं टचवुड मेरा तो ये बचपन का वो भी है जैसे मैं घर पे बोलती थी कि मुझे एक बार जेल और कोर्ट देखनी है तो मम्मी से बहुत डांट पड़ती थी ये क्या सपने हैं ताजमहल देख कर आओ कुछ ऐसा रेड फोर्ट देखो जेल क्यों देखनी है बट ऐसे साथ एक बार हुआ है ना डीयू में सम लोगों ने माइक वाइक छीन लिया था एंड यू फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट ये एक हुआ था मैं स्टेज पर थी और मैंने कुछ तो टीचर्स के ऊपर जोक किया और वो थोड़े ऐसे बूढ़े बूढ़े टीचर्स बैठे हुए थे तो उन्हें पता नहीं समझ में नहीं आया ऑफेंड हो गए उन्होंने मेरा माइक बंद कराया हाथ से छिनवा दिया और मैं ऐसे थी कि ओहो This is my moment. Tell me, how are you two at home? तुम लोग, you are like the typical भाई बहन जो एक दूसरे के बाल खींचते कितना? What is the age gap between you two? Five years. Oh, that's quite a big. मतलब कौन बड़ा है? मैं. You. तो age ये भाग... में age सिर्फ age में मैं. मम्मी पापा का कोई एक favorite बच्चा है? वो तो नहीं कहते हैं. उनके दो दादी का है दादी का कौन है दादी का कौन हम वो भी इंटरव्यू देखेंगे हम नहीं बोल रहे कौन है उनको पता है उनका कौन है वो समझ जाएंगी सो वो बोथ ऑफ यू आई वांट टू आस्क डू यू एवर फील द प्रेशर ऑफ कंटेंट क्रिएशन कि इतनी रील डालो वायरल होना चाहिए हाउ डू यू डील विद इट मतलब मन हुआ तब करो वो तो नहीं होता देयर हैज टू बी अ डिसिप्लिन टू थिंग्स राइट अगर कोई डील आ जाती है कि इतनी डालनी है एक महीने में तो फिर तो प्रेशर होता है अरे एक महीने में डालनी थी हमें 10 तो वो वाला होता है बाकी तो अगर मुझे ऐसे मोटिवेशन चाहिए होती है तो एक महीने में एक बार एक क्लास लगती है मेरी अगर मैं कभी really? लगती हाँ वो एक वो मुझे जरूरत भी होती है उसकी कि भैया आगे एक दिन मुझे समझाते हैं कि सलोनी कैसे आलस आ रहा है इतना हाँ, वो जस्ट कि सिर्फ लेजीनेस को हटाने का और तो सब और ये तब है जब भैया खुद इतने लेजी और वो आके मुझ सोचो मुझे मोटिवेट कर जाता है उसके बाद मैं ऐसे होती हूं कि हां भैया आप देखो आप तो करती है तू हां मेरा वैसे ही घर में एक ही आलसी ठीक है तू तो मत हो तो जब ये नहीं डालता है तो डू यू गो टू हिम एंड डू यू पुश हिम नहीं ऐसा तो नहीं होता है ये फिर ऐसे बोल देता है चल अपना काम करो तो ये जो इतना डेंजरस कंटेंट करती है कभी बहन को बचाने का मन नहीं करता मैं तो कोशिश है पूरी रहती है कि धक्का थोड़ा आ गया और कैसा भाई है एंड शुभम भी वैसे ही है इतना सटायर के साथ डील करता है यू नेवर टेल हिम कि यार भैया ये वाला नहीं डालना चाहिए था ये हम नहीं करते हैं ये काम ये हमारी मम्मी करती हैं क्योंकि वो भी हमारा सारा कंटेंट देखती हैं और उसके बाद बाकी बोलती हैं तुमने उसे ऐसे बोल दिया ऐसा कुछ तो नहीं हो जाएगा कि वो कुछ बोल दे तुम्हें मम्मियों को डर लगता है यार मम्मी ये हमारे दिमाग में थॉट आता नहीं है आप मत डालो हमारे दिमाग में एक और प्रेशर दे दो आप सलोनी एंड शुभम आई वॉन्ट टू नो नाउ हाउ यू एज किड्स सलोनी लाइक वी सी यू टूडे तुम इतना पकड़ 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 नॉन स्टॉप करती हो वर यू ऑलवेज लाइक दिस नहीं मतलब नर्सरी से लेके थर्ड क्लास तक मैं बहुत शांत थी पता नहीं क्या था मतलब साइड वाले बच्चे की सीट चेंज होती थी मेरे साथ कि ताकि वो ज्यादा बोलता है तो वो चुप हो जाए मेरे साथ बैठकर और मैं वो बच्चा था जिसके पास शांत बच्चा बिठाया जाता था
ये कंटेंट ले रही थी तब, एसिमिलेट कर रही थी। थर्ड क्लास के बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं अचानक से बहुत बोलने लगी, मतलब कि हाँ, फिर वो जब मैं बिल्कुल शांत थी उसके बाद मैं नॉर्मली भी थोड़ा बोलना शुरू करूंगी, तो वो मैसिव शिफ्ट था। फिर मम्मी बोलती है पता नहीं क्या, कौन सी दवाई रिएक्ट की थी, क्या हुआ था जो इतना ऐसा हो गया। ओह नाइस, एंड हाउ आर यू? मैं वही बच्चा था जिसके पास बिठाना पड़ता था ना, एक बच्चा करेक्ट कि ये सबसे शांत बच्चे को इसके पास बिठाओ, शायद इससे तो बात नहीं करेगा। लेकिन मैं तो उसे भी, उसको भी तुम्हारा ही चुप बैठने क्यों है, कर बातें कुछ, कर मेरे साथ डिस्कस कर। तूने कभी लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की? फॉर यू इट वाज ऑलवेज ब्रोस बिफोर लड़कीज, राइट? यस, ऑलवेज। व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? वो ऐसा होता था कि क्लास में कैसी थी लड़कियां, कि जैसे अगर स्पोर्ट्स का एक इंस्टेंस बता रहा हूं, कहां लड़कियां पसंद आनी बंद हो जाती थी, कि अगर स्पोर्ट्स का पीरियड है एक, तो हफ्ते में एक दो ही होते थे, फिर कोई फ्री पीरियड मिला तो उसमें एक टीचर आता था ऐसे सब्स्टिट्यूट, वो ये बोलता था कि दो ऑप्शन है, तो यहाँ बैठ के पढ़ लो या बाहर जाके खेल लो। सारे लड़के की सर बाहर जाके खेल लो, और लड़कियां की नहीं सर बाहर गर्मी है, तो ये पहला होता था कि अरे यार गेम पीरियड छेड़ लिया इन्होंने हमारा बता। और टीचर तो दो जगह हो नहीं सकता, तो भी उनकी वजह से अंदर बैठना पड़ता था। हाँ। यार ये है जिन्होंने हमारा ये पीरियड नहीं होने दिया, जिनको पंखे में ही रहना था उनके चक्कर में फिर हम बाहर नहीं जा पाते थे, और फिर वहां से इन्फ्लुएंशियल लड़कियां कहते कि देख ले इनकी वजह से हमारा पीरियड नहीं हुआ था, तो अब सोच ले आइदर दे और अस। भाई माई बाप आप ही हो गए, आप ही के साथ रहूंगा मैं। जब इतनी गुंडों के साथ दोस्ती थी तब क्या हुआ, जब सीपी में स्पेशल लोग आए थे तुम्हारा स्वागत करने? वो तो बाद में हुआ, वो क्या हुआ बता बता बता। पता होगा, तो एक बार ही क्या हुआ था, जैसे जब नए नए थोड़ा फेमस हुए थे, करेक्ट, कुछ अभी भी क्या है, मैं और राजेश कुछ हम करते नहीं, वी डोंट ड्रिंक, वी डोंट, हमारे पास चिल करने का कुछ है नहीं, हम वो है, हम मनाली से दो दिन में वापस आ गए थे। ओके तो हम गए वहाँ और कुछ करने को था ही नहीं, और ऐसे लोग हमें पहचानते थे, हमारे पास आते थे, फिर वो हमसे दूर हो जाते थे कि तो क्या बोरिंग लोग हैं। एक दिन हमने एक लड़की देखी और बहुत दूर से, मतलब बहुत दूर से देखी, और तो बस ऐसा था कि उसको छोड़ाते हैं जिस दुकान में वो जा रही है नजरों से अपनी, हार्मलेसली एकदम, हम भी ऐसे गंदी नजर से नहीं देख रहे। She was beautiful, so just looking at her. और उसके बाद हम खड़े, तो पीछे से दो कंधे पे ऐसे हाथ आए, देखा तो मुड़ के वो सारे लोग थे ऐसे सफारी सूट वाले, जो सरकारी कमांडो नहीं होते। आजा भाई, बहुत मजाक उड़ा लिया तेने आज, इधर आ जा रहा भाई, इन्हें गाड़ी में डाल यार। तो ये सीधा क्या हो गया, गाड़ी में डाल दो। तो हमें लगा कि शायद ये लड़की के बॉडी गार्ड तो नहीं है, हमने इसको कैसे देख लिया, और क्या हो गया क्या हो गया ऐसे में वो हमें थोड़ा पार्किंग तक लेके आए साइड में, और फिर पूछने लग गए कि हाँ भाई, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि उसके साथ नहीं थे, इनको शायद हमारे कंटेंट से कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बात करने लगे कि भाई सबका बहुत मजाक उड़ा रहे हो आजकल यूट्यूब पे। तो बहुत ट्राई किया मैंने, नहीं माने वो लोग। फिर उनका चला 10-12 मिनट, फिर जब आई थिंक उन्हें लगा ही होगा कि अब तो आंसू ही आने वाले हैं या शायद सूसू ही कर देगा, तो पता नहीं। फिर वहां पर लगा कि अरे भाई तुम रोज मजाक करो, एक दिन हमने कर ली तो क्या होगा। अच्छा ठीक है, फिर उन्हें पूछा तुम क्या करते हो, ये तो हमने बताया हम यही करते हो, तो फिर उन्हें ऐसा होगा कि जैसे पता नहीं हम क्या ट्रेन में खाना खाते हैं, कितने ही गरीब हैं कि यही करो, चल कोई ना भाई ध्यान रखो अपना, मतलब ऐसे बोल के गया, इनको तो ये करना पड़ रहा है। सलोनी, यू जब जो तुम थर्ड तक कितनी शांति है, जो तुम्हारा परिवर्तन हुआ, फुल चेंज, देयर वाज एन एलोक्यूशन इन 8th स्टैंडर्ड, right, where you stood on stage and said one word, but you did not get off the stage. एक बेशर्मी तो थी मेरे अंदर बचपन से। तो हमारा एक कॉम्पिटिशन था एक्सटेम्पोर का, और वहां मुझे टॉपिक मिला पंक्चुअलिटी। तो मैंने सोच लिया कि हाँ, इंट्रोडक्शन तो आता ही है कि गुड मॉर्निंग टू एवरी वन प्रेजेंट ओवर हियर, रिस्पेक्टेड, ये जो वो, मैंने कहा अच्छा वो बोला था। हाँ हाँ, पर दिक्कत ये होती है कि वो उसमें काउंट नहीं होता है, कि आपको अगर 3 मिनट बोलना है ना तो वो काउंट नहीं होगा जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है, वरना बच्चे उसी में पढ़ाते चले जाएंगे, रेस्पेक्टेड प्यून सर, रेस्पेक्टेड ये। तो मैंने यार शिट, ये तो काउंट नहीं होगा। अब टॉपिक मिल गया, अब मैं खड़ी हूँ स्टेज पर और पूरा स्कूल बैठा है और मुझे मिला, और मैं सिर्फ एक लाइन बोल रही हूँ, पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस, दैट्स इट। अब आगे सोच रही हूँ, अब क्या सक्सेस मिल गया, अब क्या, अब क्या, आगे क्या बोलूं। पर मैं खड़ी रही, जजेस भी देख रहे हैं कि शिट यार इसको 3 मिनट तक देखना पड़ेगा, फिर मैं वहां खड़ी हूँ और हंस रही हूँ मैं। जब बेल बजी है टाइम अप की, तब मैंने थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच, और मैं गई हूँ, और मुस्कुराते हुए मैंने अपनी स्टेज से एग्जिट ली है। सब देख रहे हैं कि क्या पागल है ये, क्या कर गया ये। यू व्हाइल ग्रोइंग अप देयर वाज अ पॉइंट व्हेन यू वांटेड टू बी हर्ष भोगले। वो भूत अभी मुझे पूछना है उतरा है कि नहीं उतरा, क्योंकि तो अभी भी मुझे चॉइस मिलेगी, हाँ भाई स्पोर्ट्स कवर करना है, मैं चला जाऊंगा। देख लो लड़का दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है। ये जब सोते थे तो ये रात में कमेंट्री करते थे प्रॉपर, मतलब इतना जरूर नींद में। हाँ ये नींद में इसको पता नहीं है,
मतलब ये पता है कि कुछ बड़बड़ाता था तो कमेंट अब क्योंकि मुझे मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ लेकिन अम्मा जी की नींद बहुत कच्ची है तो उन्हें अब इंग्लिश और ये इंग्लिश में बड़बड़ाते थे वाह वाह और उनको अब उनको इंग्लिश नहीं आती है हिंदी तो समझती है बढ़िया से अब लेकिन उन्हें बैट बॉल समझ में आ जाता था ये कुछ ऐसे बोलते थे ना बैट्समैन हैज हिट तो वो बैट्समैन वगैरह कैच कर लेती थी तो बोलती थी पता नहीं क्या क्रिकेट क्रिकेट बड़बड़ाता रहता रात में भी नहीं सोती थी वी हैव दिस इमेज ये वाला ये क्या सीन था यार ये मैं क्या करती हूँ मैं म्यूट कर देती हूँ ट्विटर तो मेरा म्यूट ही रहता है मुझे नहीं जानना कौन मुझे गाली दे रहा है दे वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बहुत अचानक से बहुत ट्रैफिक आ रहा है मेरे अकाउंट पे मैंने देखा कि ओहो कंगना ने गालियां दे दी थी गालियां मतलब कि लिख दिया था काफी कुछ तो हम तो पढ़ के हंसे थे उसे भी कि उसका भी कुछ सेंस नहीं बन रहा था करेक्ट हमें बहुत हंसी आई हमने रिप्लाई नहीं किया दो तीन दिन बाद वो सस्पेंड हो गई बट has she ever appreciated you कभी ऐसा कुछ पता चला है और has she directly appreciated you directly तो नहीं बट एक बार रंगोली का आया था ऐसे ही ट्वीट उन्होंने कुछ तो लिख दिया था कि ऐसे मजाक करती है उसका ऐसे ये सब जो भी बोला था फिर उसके बाद मैंने उस दिन भी रिप्लाई नहीं किया और अगले दिन फिर उनका आया कि आई थिंक मे बी आई वॉज टू हार्श ऑन सलोनी कंगना लव्स हर वर्क तो ठीक है मैंने तब भी रिप्लाई नहीं किया ये स्टार हम कंगना को स्टार समझ रहे नहीं नहीं वो है I'll ask this question to both of you. When did you know that ab ye set ho gaya hai? Matlab set ho gayi hai life. When was that for you in terms of content creation and when did that happen for you? Jab mera khud ka bank account khula aur usme thode paise aaye to mujhe laga ki theek hai. Ya account to tera pehle se tha? Paise nahi the. Usme bas main ek do baar ek jandan type account tha iska ek. Painting competition mein kuch to jeeti thi. Uska check tha mere hi naam par to isliye zabardasti khulwana pada ki ye check to tabhi jayega jab mere naam par check tha wo 3000 rupees. Are that's not bad. So that's when you felt that you've arrived. But work wise when did you feel? Matlab which piece of content or popularity made you feel like तो मुझे तो मेरा सारा काम सही लगता था शुरुआत वाला एक कैरेक्टर में करती थी पिंकी डोगरा वो ना मैं खुद देखना चाहूंगी ना मैं लोगों को कहूंगी कि वो देखे जाके देखा भी नहीं वो ना ही देखे वो मतलब ठीक था वो मेरी शुरुआत है बिल्कुल तो वो 2019 में नवंबर में मेरी वो एक वीडियो वायरल हुई और तब मुझे लगा कि हाँ अब तो है और फिर भैया ने मुझे फॉलो किया दुनिया का फॉलो गया एक तरफ तब मुझे लगा कि अब मैं कुछ फनी बना रही हूँ This is something that my research team has told me, और मेरे को ये question ही नहीं समझ आया कि you graded papers in school and you graded them wrongly, तुमने cheating की and you got away with it. एक तो ये school कौन सा है जो grading allow करता है बच्चे को दूसरा तुमने गलत grading कैसे की and how did you get away from it? 11th class की बात है ये okay. और सर्दी का दिन थे तो ऐसे आराम से मैं सो रहा था लेट था कि अब वापस दोबारा सो गया था और कुछ तो था और कॉल आता है और तब हमारे घर पे लैंडलाइन फोन था okay. तो उस पे फोन आता है और मम्मी कहते हैं तेरे टीचर का फोन है छुट्टी वाले दिन टीचर का फोन क्यों आ रहा है तो ऐसे मेरे को लगा पता नहीं क्यों तो मैंने उठाया कहा यस तो सर ने बोला कि अभी मेरे को ये रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स चढ़ाने ये वाला पूरा प्रोसेस करना है मेरे पास टाइम नहीं है मैं थोड़ा शिफ्टिंग में बिजी हूँ तो तुम आके मुझे इसमें हेल्प कर दोगे क्या मुझे इंस्टेंटली वो बल्ब जला दिमाग में कह रहे मैं मार्क्स चढ़ाऊंगा तो उतने तो नहीं चढ़ाऊंगा जितने आए हैं थोड़े बढ़ा भी सकता हूँ तो मेरे को तुरंत आया कि मेरा एक गरीब दोस्त भी है जिसके इतने नहीं आते हैं तो लगे हाथ उसका भी भला हो जाएगा प्लस उसकी बाइक से ट्रैवल करता था वो मैंने कहा तो सर वो मैं ऐसा यमन को भी ले आऊंगा कि हाँ यमन को ले आओ ले आओ यमन को तुरंत स्कीम समझाई मार्क्स डबल 21 सेकंड में ये चाहिए तेरे को स्कीम उन्होंने कहा तू रुक तुरंत भाई शुभम 10 मिनट में तेरे घर पे हो फटाक से बाइक लेके आया और हम गए सर के पास वो ना पांचों में फेल था तो हाँ अभी रीजनेबल कुछ बता जो कर दे उसने कहा और वो फेल बुरी तरह था कि 8, 9, 12, 13 100 में से 90 तो नहीं किया नहीं 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 तो मैंने कहा देख तेरे को ऐसा कर देते हैं कि तू तब भी फेल रहे 33+ बस तेरे कर देता हूँ तो तू वो वाला लॉजिक दे सकता है घर में कि पापा बोर्ड के हिसाब से तो पास ही हूँ स्कूल में 40 पासिंग मार्क्स हैं तो मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दो हाँ. तो ये कर करा के अपने थोड़े ऊपर नीचे किए उसको फेल ही रखा समय पर 33+ उसके कर दिए और सर ना ऐसे थोड़ी गिल्ट में थे कि बच्चों से छुट्टी वाले दिन काम करा लिया क्या थैंक यू सो मच और बताओ मेरा कि मैं कुछ खाओगे वो यमन ने पूरा हाँ सर ये खाएंगे और एक एक नहीं दो दो खाएंगे तू तो कुछ मत मांग अभी तेरे मार्क्स बढ़े हैं नहीं 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 सर ये सब लेंगे फरमाइशें पूरी कर दी सर ने हमारी सारी हम घर चले गए फिर ये रिजल्ट दिखा दिया सब हो गया अभी तक किसी ने कुछ नहीं कहा अभी कुछ नहीं कहा थोड़े दिन बीत गए तो एक दिन हुआ है गुस्से में और शुभम यमन आउट ऑफ माई क्लास कुरन भगा दिया बता भी नहीं रहे क्यों सर आए अंदर क्लास से बाहर मैं सर क्या हुआ किसके लिए आपने बाहर लड़ा गया
तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, सब पूरा बिल्डअप दिया, कौन सा वाला पता चला है आपको, आप ये बताओ। कहता है कि तो मैं एक और हरकत क्या करता था कि डस्टर जो होता है ना, जैसे टीचर अगर बोर्ड पे कुछ कुछ लिखा हुआ है तो कायदा ये होता है कि मॉनिटर साफ रखे बोर्ड पहले से, मैं ही मॉनिटर था तो मैं कभी साफ रखता। तू मॉनिटर था? वही ना, कि सबसे शैतान बच्चे को मॉनिटर बना दो तो क्लास अपने आप कंट्रोल में रहेगी। तो मैं क्या करता था, बोर्ड रब करके नहीं रखता था, टीचर आता था क्लास के अंदर, अब डस्टर से आते हैं, वो देखेगा गंदा, अरे यार, तो उठ के पूरा मिटाना टीचर के लिए टास्क होता था, 2-3 मिनट इसी में निकल जाते थे। तो इससे सब था। अब मेरे को क्या कि ये तो हो गया कि हमने लेवल वन कर दिया कि मिटा नहीं रहे, अब क्या कर सकते हैं, तो डस्टर पे से वो कपड़ा ही हटा दिया। अब किसी दिन मैं एबसेंट होऊंगा, बाहर होऊंगा, मैंने कौन करता है ये, तो किसी ने बता दी, बस इसी के लिए आपने टेस्ट नहीं लिया हमारा, और कहेगी कि मैं बर्दाश्त करूंगा ये सब। इससे बड़ा कोई, इट्स ओके सर, 5 डस्टर्स आपको कल नए मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो छुट्टी में थोड़ा लेट निकले, जो जो क्लास जाती जा रही थी उनके डस्टर उठाए, यमन ने घर जाके कॉलिन से साफ किए, अगले दिन लाके पकड़ा दिए। कि नो वंडर इसको पकड़ने का डर नहीं है, इट्स फॉलोड यू टिल हियर टिल दिस पॉइंट। मतलब अगर सर ने इतनी बड़ी गलती नहीं पकड़ी तो क्या ही बिगाड़ लेगा कोई तुम्हारा। नाउ दैट यू गाइस हैव रीच्ड दिस पॉइंट इन लाइफ, व्हाट हैव बीन योर बेस्ट फैन इंटरेक्शंस? एक मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि अभी हम चंडीगढ़ में कुछ शूट कर रहे थे एक शो के लिए, तो वहाँ ट्रेन का सीक्वेंस था और मुझे ट्रेन बहुत पसंद है। हाँ। तो रात भर हमने शूट किया और सुबह बहुत नींद में थी मैं जब पैकअप हुआ, और उसके बाद मुझे पीछे से किसी की आवाज आई कि सलोनी, मैंने मुड़ के देखा तो 50-60 टाइप के इस एज के दो लोग थे, और जब मैं मुड़ी तो उन्होंने बोला कि देख ले मैंने बोला था ना सलोनी है, तो मैंने कहा अच्छा है, तो फिर वो बोलेगी हम तुम्हारी वीडियो देखते हैं फेसबुक पर, और अभी जो आपने ट्रेन पे शूट किया है ना, हम ही पूरी रात ऑपरेट कर रहे थे, तो मैं उनसे अच्छे से मिली और मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था कि अरे ये भी मेरी ऑडियंस है। जब मैं होटल पहुंच गई तब मैंने सोचा कि शिट यार, वो मेरे फैन थे, मैं बोल देती उनसे कि मुझे ट्रेन की इंजन दिखा ला, मैं वो रह गया, मैं उसको रिग्रेट करती रही कि शिट, वो मुझे शायद लीवर भी पकड़ा देते उसका रह गया। अरे 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 ये तो है मेरा भी कि हमारी ऑडियंस थोड़ी सी अलग है। जैसे मेरा क्या था कि मैं एक बार एक दोस्त के साथ गया क्लब में, अब उसका फैन कौन है जो क्लब का ओनर है, और मेरा फैन कौन है जो क्लब के बाउंसर है। But what is the best thing that has happened to you because of this success? I think we made our parents retire. Haan. They made their lives better. ठीक है, आराम करो। थोड़ा हाँ, मतलब हमारी हम जब घर दूसरा शिफ्ट किया, क्योंकि हमारा पहला घर बहुत ही छोटा था, तो वहाँ पे हम मतलब वो राजू रस्तों की वाली जो लाइफ थी ना, तो वो हम जी रहे थे कि ऐसे बारिश में पानी टपकता था हमारे घर में, सच में। अब मतलब ओ करने की बात है, चल हम वैसे हैं नहीं, हम चिल करते थे कि हाँ ठीक है, कितने ही दिन रहती है बारिश तो मम्मी भगोना लगा देते हैं, ठीक है सो जाएंगे। दादी जब दूसरे घर में आई तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उन सबको देख के हमें बढ़िया लगता है कि वो पार्क में घूम रही है तो उन्हें अच्छा लगता है, सुबह शाम वो वॉक पे जा रही है तो उन्हें थोड़ी खुली हवा मिल रही है, तो वो सब अच्छा लगता है देखकर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू गाइस हैव बॉट योर ओन हाउस राइट, एंड दैट इज फ्रीकिंग ब्रिलियंट गाइस, मतलब दैट इज सो कूल। चलो ईएमआई भरने का बनाओ कंटेंट। बट थैंक यू सलोनी, थैंक यू शुभम, इट वॉज लवली हैविंग यू ऑन द शो, है ना। आई थिंक यू गाइज आर एन इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल आउट देयर, और तुम लोग कितने हम्बल, कितने प्यारे हो यार, कितने शरीफ, कितने सिंपल, भगवान करे तुम सारी बुरी नजरों से बचे रहो, और जिस तरह से सच बोलते जा रहे हो वैसे ही बोलते जाओ, एंड आई होप कंगना या नोएडा बॉयज किसी को कभी तुमसे कोई प्रॉब्लम ना हो, गुड टू यू गाइज, थैंक यू। एंड अब ये दोनों भाई बहन हैं जो कितने प्यारे हैं, तुम लोगों ने देख लिया, एक दूसरे के साथ कोई झगड़ा नहीं करते, तो हम इनको खिलाएंगे गेम्स, लेट्स गो टू द गेम सेक्शन। तो हमारा गेम ऐसा है कि इन दोनों के हाथ में है टेनिस बॉल्स, दे हैव टू थ्रो इट इनसाइड दीज ग्लासेस, अगर ग्लास में लैंड हुआ तो आई एम गोइंग टू आस्क देम अ क्वेश्चन, इफ दे गेट द राइट आंसर तो अगला बंदा शॉट पिएगा, एंड 3 चांसेस में इफ योर बॉल डजंट लैंड इनसाइड दिस यू ड्रिंक अ शॉट। राउंड 1 गो। तेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज आर देयर फॉर गेटिंग आउट? LBW, clean bold, catch out, time out भी एक होता है, hit wicket, obstructing the ball, 6. Wrong answer. Take the shot. It's 10. 10 तरीके? 10 तरीके. लेकिन एक वो तरीका पता है जिससे out से not out. मम्मी कसम नहीं लगी. That always works. ये कौन सा यार? अपनी choice का नहीं पी सकते? नहीं नहीं नहीं. मेरी choice का पियो. आई तो ठीक है. Okay, round 2. Go. What is the middle name of Sachin Tendulkar?
रमेश फिर मुझे ही पीना है क्या शॉट व्हाट इज इट ये तो कुछ है हाँ वैसा ही है ये तो कड़वा था एकदम चलो नेक्स्ट राउंड रेडी 1 2 3 गो फिर शॉट भैया ये एग्जैक्टली चुल्लू भर पानी ही है ये रहा होगा कभी कोई फ्लेवर अब शायद एक्सपायरी हो गई है इसकी लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राउंड गो सलोनी भाई ये सब कब सीखा नेम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म सत्या अरे अभी तो मैंने बुक पढ़ी थी टाइम्स अप अरे टाइम्स अप बुक पढ़ के भी नहीं पता बुक तो पढ़ी थी फिल्म नहीं देखी है अरे फिल्म नहीं देखी है मुझे पता है मुंह निकल के नहीं आ रहा राम गोपाल वर्मा बुक पढ़ के भी नहीं पता और ये बीट रूट भी नहीं गुआवा है मुझे लग रहा है बॉल्स में ही कुछ खराबी है क्योंकि मेरा निशाना इतना खराब है नहीं अरे यार दो अरे ये देख रहे हो इनकी हाइट कितनी ज्यादा है वहां तक आ जाते हैं डूब मत फाइनली शुभम गेट्स इट गो Which actress played a double role in the film Chaalbaaz? Go for it, bhaiya. Time up. Chaalbaaz कौन सी फिल्म है यार? Chaalbaaz श्रीदेवी. हाँ. मुझे लगा कि ऐसी नाम की फिल्म में वो ही करती थी. Chaalbaaz, नागिन, बेईमान. तुम्हें पता था तो क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. चलो. चलो. When's over, tell me. Heard you a sound. You know. Heard a sound, I guess. How many IPL finals has Mahendra Singh Dhoni appeared in? ये तो मैंने बता दिया. कितने final खेला है वो? Appear. हाँ. उसने खेले हैं final. I think. Time's up. 8. Wrong answer. कितने खेले हैं उसने? 7. अरे वो close, मुझे close. इतना पसंद है कि कोई एक नहीं भी खेला होगा मुझे लगा कि माही तो खेल ही रहा है ये गले में जाके लगी है सलोनी कांग्रेचुलेशंस थैंक यू यस हाउ आर यू फीलिंग बहुत अच्छा लग रहा है हमेशा से यही चलता आया है कि मैंने भैया को हर चीज में पीछे छोड़ा झूठ बोलने में भी झूठ बोलने में भी झूठ बोल के दिखाया काफी अच्छा क्या सारे भाई बहन ऐसे ही होते हैं आई डाउट आई मीन यू गाइस आर अमेजिंग ओके आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू अ मेंस एक्सपी हैम्पर मैं अभी लेकर आती हूँ हियर वी गो सलोनी थोड़ा भारी लग रहा है तू रहने दे पकड़ लेगी चलो आ तो एक ही कर रहा है कोई बात नहीं थैंक यू तालियां बजा शेयर मत करना